नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल मीनू 21। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हरी जगह पे मॉनसून आ गया है, और मॉनसून अब अकेले नहीं आता, अपने साथ बहुत सारी सीलन, फंगस, मॉइस्चर सब कुछ लेके आता है। तो मॉनसून के सीज़न में हमें एक्स्ट्रा अलर्ट रहना पड़ता है, ताकि हमारी चीज़ें खराब ना हो, फंगस वगैरह का अटैक ना हो। तो आज की वीडियो में मैं आपके संग कुछ मॉनसून हैक्स शेयर करूंगी, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और वीडियो जरा भी हेल्पफुल लगे या अच्छी लगे तो शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए, विदाउट फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। गाइज, मेरी सबसे पहली टिप है कि जो भी आपके घर की एंट्रेंस है ना, उसको रोज़ आप अच्छे से डीप क्लीन करें। बस मॉपिंग से नहीं, बल्कि आप पानी और फिनाइल से या जो भी फ्लोर क्लीनर हैं उनकी मदद से आप अच्छे से रोज़ धुलाई करें, क्योंकि बारिश के मौसम में ना सबसे ज़्यादा जर्म्स का, वायरस का डर रहता है। और क्योंकि हमारा नीचे का घर है ना, तो हमें कीड़े मकोड़ों का भी डर रहता है, इसलिए मैं इसकी अच्छे से रोज़ धुलाई करती हूँ। और आप कोशिश करें कि बाहर की रोज़ एंट्रेंस धुलें, और यहाँ पे जो भी आप डोर मैट्स आप यूज़ करें ना, वो या तो आप कॉयर वाले यूज़ करें, या फिर वो जो ग्रास वाले डोर मैट्स आते हैं वो इस्तेमाल करें, कि बारिश में वो ख़राब भी नहीं होंगे, और बाहर आप अपनी गंदगी को झाड़ सकते हैं, और घर के अंदर ही आप वो कॉटन वाले मैट्स का इस्तेमाल करें। बाहर अगर आप कॉटन मैट्स का इस्तेमाल करेंगे तो वो जल्दी ही गीले हो जाएंगे, और बिल्कुल अगर आप उनको धुलेंगे ना, तो इस बारिश के मौसम में वो इतने थिक होते हैं, या अगर पतले वाले भी यूज़ करेंगे तो वो आसानी से सूखेंगे नहीं। इसलिए मैं बोल कोशिश करती हूँ कि बाहर मैं डोरमैट के लिए कॉयर वाले डोरमैट्स या फिर ग्रास वाले मैट्स का ही इस्तेमाल करूँ, क्योंकि वो वॉशेबल भी होते हैं, वाटर रेजिस्टेंट भी होते हैं, और बरसात के लिए बिल्कुल सूटेबल होते हैं। घर के अंदर गाइस, आप कितनी भी सफाई कर लें, हो आना तो हमें बाहर से ही अंदर होता है, इसलिए आप कोशिश करें कि जो हमारी एंट्रेंस है वो हमेशा साफ़ सुथरी रहे और जर्म फ्री रहे। बारिश के मौसम में क्योंकि वायरस का, इन सब का ज़्यादा डर रहता है, तो इसको क्लीन और ड्राई रखना ज़्यादा ज़रूरी है। ये है एब्जॉर्बिया के सैशे, जो हमें ना शूज़ के संग मिल जाते हैं, जैसे हम नई बॉटल्स खरीदते हैं, फ्लास्क वगैरह, तो उनमें भी ये मिल जाते हैं। सिलिका जेल के पैकेट्स हैं, और इनका इस्तेमाल ना अपने शू रैक में कर सकते हैं। बरसात के मौसम में मॉइस्चर आ जाता है, तो आप अपने शू रैक में इसको कर सकते हैं। ये हमें पर्स के संग भी नया मिलता है, तो मैं तो उनको पर्स के अंदर ही रखने देती हूँ, क्योंकि कई बार हम लोग के पास जैसे कई सारे पर्स का, हैंडबैग्स का कलेक्शन होता है, तो हम लोग हमेशा सारे हैंडबैग्स तो यूज़ नहीं करते हैं। तो आप इस सिलिका जेल के पैकेट्स को उनके अंदर रखिए, तो उनमें मॉइस्चर नहीं आता है। आप चाहें तो इनको अपने वार्डरोब में, कवर्ड में, अपने कपड़ों के अंदर भी रख सकते हैं, जिससे उनमें मॉइस्चर नहीं आएगा। और एक अब्सॉर्बिया का भी पैकेट आता है, वो आप चाहें तो अपने वार्डरोब में रख सकते हैं। और अगर आपको घरेलू उपाय से कुछ चाहिए, तो आप ना जो बेकिंग सोडा होता है, खाने वाला मीठा सोडा भी जिसको कहते हैं, वो आप अपने वार्डरोब के अंदर रख दीजिए ना, तो उसमें से स्मेल नहीं आती है, मॉइस्चर नहीं लगता है। और इन सब का इस्तेमाल ना अपने फूड आइटम्स के लिए भी कर सकते हैं, जैसे कि जो ड्राई चीज़ें हैं उनके कैप के ऊपर आप रख दीजिए सिलिका जेल के पैकेट्स, तो उनमें मॉइस्चर नहीं आता है और कीड़े नहीं लगते हैं। तो ये बरसात के मौसम में इन सब का इस्तेमाल बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है, क्योंकि आज बरसात के मौसम में, मॉनसून सीज़न में ना, कहीं भी बहुत जल्दी फंगस लग जाते हैं, और गीले की वजह से नमी आती है, और फिर वो ख़राब हो जाता है चीज़। इसलिए भी तो लेदर के आइटम्स हो गए, और या फिर आप चाहें ना, तो जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं, जहाँ वायरस वगैरह हम रखते हैं, वहाँ भी ये सिलिका जेल के पैकेट्स रख सकते हैं। इसके अलावा ना, चारकोल पाउडर के भी पैकेट्स आते हैं, उनको भी आप रख सकते हैं, या एब्सॉर्बिया के पैकेट्स आते हैं, उनको भी अपने वार्डरोब में, शू रैक में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक बहुत ही कारगर मॉनसून हैक है। तो मॉनसून से रिलेटेड नेक्स्ट टिप है कि आप ऐसे टॉवल, टेरिलीन के टॉवल की जगह ना, आप कॉटन के टॉवल्स यूज़ करें, जिनको हम लोग गमछा भी बोलते हैं। ये जो टॉवल्स होते हैं ना, इनको सुखाना मॉनसून के सीज़न में, क्योंकि हमेशा बारिश आती है, तो इन सब टॉवल्स को ना धूप लगना बहुत ज़रूरी है। इनकेस अगर आप
फैन में या कहीं और सुखा भी देते हैं तो इनके अंदर का ना मॉइस्चर नहीं जाता है और ये अच्छे से सूखते नहीं, और जब सूखेंगे नहीं ना तो इनमें फंगस बहुत जल्दी लग जाता है, वो छोटे छोटे दाने जैसे ब्लैक स्पॉट्स, और वो कितने भी आप वॉश करें ना वो नहीं जाता है। तो इनकी जगह ना मैं ऐसे कॉटन्स के टॉवल्स, जो ये जो ये जो हमारे यहाँ कॉटन के टॉवल्स मिलते हैं ना, मैं इनको इस्तेमाल में लाती हूँ तो ये बहुत जल्दी ही सूख जाते हैं, हवा से भी सूख जाते हैं और इनमें मॉइस्चर भी नहीं ज़्यादा देर तक रहता है। ये फ़ैन में भी बहुत अच्छे से ड्राई हो जाते हैं। तो मॉनसून में आप कोशिश करें कि टेरेलिन की टॉल की जगह कॉटन के टॉल्स यूज़ करें। गाइज, मेरी नेक्स्ट टिप है कि जो वॉश बेसिन का जो बीच का पोर्शन होता है ड्रेन वाला, उसके साइड में ना वो लोग कुछ मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल किए रहते हैं और पुट्टी का, तो वो समय के साथ ना उसमें फंगस और इन सब का बहुत जल्दी अटैक हो जाता है, तो उसको आप ना रेगुलरली क्लीन करें। मैं यहाँ पुराने टूथब्रश की मदद से उसको क्लीन कर रही हूँ और इससे ये हमेशा जर्म फ्री रहेगा, क्योंकि इसको वॉश बेसिन को हमें रोज ही क्लीन करना चाहिए। और इसको ना जर्म फ्री रखने के लिए आप इसमें चाहे ना तो नेफ्थलीन बॉल्स का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, जैसे कि मैं करती हूँ। इसको क्लीन करने के बाद मैं जो नेफ्थलीन बॉल्स आती हैं उसको इसके अंदर डाल देती हूँ ताकि हमेशा ही ये क्लीन दिखे और मतलब इसमें से बैड ओडर ना आए और ये जर्म फ्री रहेगा हमेशा। गाइज, मेरी नेक्स्ट टिप है कि किचन में हाथ पोछने के लिए आप ना मॉनसून के टाइम में टेरेलिन के टॉवल्स जो थिक वाले होते हैं उनका इस्तेमाल ना करें, बल्कि उनको रिप्लेस करके आप कॉटन के टॉवल्स का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये बहुत पतले होते हैं, जल्दी सूख जाते हैं और जब सूख जाएंगे जल्दी तो इनमें जर्म्स भी जल्दी नहीं अट्रैक्ट होंगे। गाइज, अगर आपके शू रैक से या वार्डरोब से या बाथरूम से स्मेल आ रही है और आपके पास कोई फ्रेशनर या नहीं है, तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप ना थोड़ा सा कॉटन का टुकड़ा ले लीजिए और कोई भी डिब्बी हो या कोई भी कैप ही, किसी बॉटल का कैप भी हो सकता है, उसमें ये कॉटन की आप कॉटन को आप डाल दीजिए। और कोई भी फैब्रिक कंडीशनर आप ले सकते हैं, क्योंकि फैब्रिक कंडीशनर की में ना बहुत ही अच्छी खुशबू होती है, तो आप उसके अंदर ना ये फैब्रिक कंडीशनर की कुछ बूंदें डाल दीजिए और इस डिब्बे को मतलब बिना कैप लगाए आप अपने शू रैक में या फिर अपने बाथरूम में रख सकते हैं या अपने वार्डरोब में रख सकते हैं। तो इससे ना एक बहुत ही अच्छी सी खुशबू आती है, बिना किसी फ्रेशनर के आपका बाथरूम हमेशा अच्छी मतलब खुशबू उसमें से आती रहे। गाइज, मेरी नेक्स्ट टिप है कि मॉनसून के टाइम में आप दूध प्लेन ना पी के उसमें हल्दी का इस्तेमाल करें, क्योंकि हल्दी जो होती है ना वो एंटीबॉडी होती है, एंटीऑक्सीडेंट भी होती है, तो इसीलिए वो इस टाइम ना हमारे लिए हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल होती है और हमें सर्दी जुकाम भी जल्दी नहीं होते हैं और हमारी बॉडी को ना जर्म से वायरसेस से प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार भी करती है। इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मॉनसून के टाइम में बच्चों को सभी लोग हम लोग हल्दी वाला दूध इस्तेमाल करते हैं और इसके साथ ही हम लोग च्यवनप्राश का भी इस्तेमाल करते हैं। स्पेशली मैं बच्चों को च्यवनप्राश देती हूँ, इससे क्या होता है क्योंकि वो स्कूल जाते हैं, वहाँ पे कई हर जगह के बच्चे आते हैं, किसी को सर्दी जुकाम हुआ है, फ्लू हुआ है, तो उनके कॉन्टैक्ट में आने से भी बच्चे ना अब रेजिस्ट कर पाते हैं उन जर्म्स के अगेंस्ट। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि हल्दी वाला दूध और च्यवनप्राश मॉनसून आते ही मैं शुरू कर देती हूँ। गाइज, मेरी नेक्स्ट टिप है कि अगर आप मॉनसून के टाइम में पीनट्स को ड्राई रोस्ट करके रखेंगे ना तो इससे उसमें जल्दी कीड़े नहीं लगते हैं। अगर आपके पास एयर फ्रायर है तो आप उनमें भी इनको ड्राई रोस्ट कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास एयर फ्रायर नहीं है तो मैं इनको गैस पे ही ड्राई रोस्ट कर रही हूँ और ये आसान भी रहते हैं, जब भी हमें चटनी या कुछ बनाना है तो हम तुरंत ही इनको इस्तेमाल में ला सकते हैं। और आप चाहें तो सूजी को भी, क्योंकि सूजी में भी बहुत जल्दी कीड़े लग जाते हैं, तो इनको भी मैं ना ड्राई रोस्ट करके ही रखती हूँ। और ड्राई रोस्ट करने के बाद इनको आप लेबल करना ना भूलें ताकि हमें पता हो कि ये ऑलरेडी रोस्टेड हैं। गाइज, मॉनसून में अपने हैंडबैग्स को ना ये कॉटन थैले जिसमें अधिकतर हैंडबैग्स आते हैं तो उन्हीं में मैं करके रखती हूँ। इससे क्या होता है ना हमारे हैंडबैग्स के अंदर ना मॉइस्चर भी नहीं लगता है।
ये हैंड जो थैले होते हैं ना, आजकल जब से प्लास्टिक बैन हुआ है बहुत इजीली हमें मिल जाते हैं और इसमें जल्दी मॉइस्चर भी नहीं लगता है। तो आप ऐसे कॉटन के बैग्स में या आप चाहें तो जूट की थैलियों में या पुराने मलमल के कपड़ों में करके अपने हैंड बैग्स को रखेंगे, स्पेशली जो लेदर के बैग हैंड बैग्स होते हैं, तो उससे ना उनमें फंगस वगैरह नहीं आते हैं। पेपर वगैरह फिल करके रखती हूँ जिससे इनका शेप भी बना रहता है और इनके अंदर भी मॉइस्चर का अटैक नहीं होता है। ये देखिए गाइस, मेरे सभी हैंडबैग्स के अंदर ना मैं इनकी शेप को रीस्टेन करने के लिए ऐसे जो हैंडबैग्स के साथ ही जो आते हैं ना कॉटन, वो मैं इनके साथ ही रख देती हूँ। इनकी शेप भी नहीं खराब होती और मॉइस्चर भी नहीं आता है। गाइज ये था मेरा मॉनसून हैक। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।